ऐसी महिला का काशी की पुण्य धरती पे कोई कार्य नहीं है, वापस जाए। ममता बनर्जी गो बैक। अखिलेश जी का समर्थन फुटबॉल लेके आई थी, पंचर फुटबॉल लेके। ये काशी की धरती है, खेला कलकत्ता में होगा, यहाँ खदेड़ा होगा काशी की। यूपी में खेला का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब यूपी में योगी जी की सरकार आ रही है, यहाँ हमारे नीलकंठ तिवारी जी जीत रहे हैं बहुत बहुत वर्षों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ विकास। इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में ममता बनर्जी की एंट्री के बाद से ही वाराणसी में गो ममता बैक के नारे लग रहे हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ लोग हैं, उनसे जानेंगे। भैया और बोल करके जय श्री राम। आज काशी की पुण्य धरती पे एक ऐसी महिला आई हुई है जिसको पूरा विश्व पहचान गया है। हम सवेरे उठने के बाद भगवान राम का नाम लेते हैं, वो न जाने किस इष्ट का नाम लेती है जिसको जय श्री राम के नाम से, जय श्री राम के नारे से चिढ़न होती है, चुभन होती है। तो ऐसी महिला का काशी की पुण्य धरती पे कोई कार्य नहीं है, वापस जाए। ममता बनर्जी गो बैक। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। अखिलेश यादव का समर्थन करने आ रही है ममता बनर्जी। देखिए, अखिलेश जी का समर्थन फुटबॉल लेके आई थी, पंचर फुटबॉल लेके। ये काशी की धरती है, खेला कलकत्ता में होगा, यहाँ खदेड़ा होगा काशी की जनता इसका जवाब देगी ममता जी को। ये काशी है, बाबा की नगरी है, बाबा की नगरी में किसी का नहीं चलता है। जय श्री राम। भैया इस बार यूपी में खेला होगा क्या? यूपी में खेला का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब यूपी में योगी जी की सरकार आ रही है, यहाँ हमारे नीलकंठ तिवारी जी जीत रहे हैं बहुत बहुत वर्षों से, और जो भी विपक्षी हैं एकदम निरस्त हैं किसी का। और मुस्लिम राज्य नहीं बनाना है, जो बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही हैं, उसने कितने लोगों को मरवाया, कितने लोगों को मरवाया, ये यूपी में नहीं होगा क्योंकि यहीं से सब कुछ चलता है। या ममता जी अखिलेश जी का समर्थन कर रही है, कितना इस बार क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर में ममता बनर्जी और अखिलेश जी के लोगों के सपा वालों का जमानत जब्त होगा। काशी के अंदर में, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में 50 सीट से ऊपर भी सपा नहीं पा रही है, और ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगी। काशी की धरती ममता बनर्जी का विरोध करती है। भैया उत्तर प्रदेश में इस बार ममता बनर्जी की एंट्री हो चुकी है चुनाव, उत्तर प्रदेश विधान चुनाव में। ये आपको हम बताना चाहते हैं कि ये बंगाल नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, ये श्री राम जी की भूमि है। बंगाल में ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश और बिहारियों को गाली दी थी, गुंडा कहा था, तो ऐसी गुंडी को हम काशी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश से भगा के दम लेंगे। आप बताएं, बंगाल चुनाव के बाद जो है हिंदुओं पर बड़ा अत्याचार हुआ बंगाल में, यहाँ पर फिर से ममता बनर्जी की एंट्री हो रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी जी के लिए काशी में कोई स्थान नहीं है, यह धर्म और संस्कृति की नगरी है, यह ज्ञान और वैराग्य की नगरी है। यहाँ प्रतिशोध और विरोध की राजनीति करने वालों, दुराग्रही राजनीति करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। यह कबीर की धरती है, सभी को साध करके चलने वाली धरती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सबका साथ, सबका विकास और सभी के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ किसी एक वर्ग, किसी एक पक्ष की बात नहीं होगी, इसलिए ममता बनर्जी की प्रासंगिकता यहाँ न के बराबर है। भैया अखिलेश जी का क्या होगा, ममता जी आ गई है साथ में? अखिलेश जी का तो पता नहीं, लेकिन ममता जी आई हैं शायद अपने पापों को धोने के लिए। हो सकता है बाबा भोलेनाथ उनके पापों को माफ कर दे, गंगा माँ उनको पवित्र कर दे, ऐसा होना नहीं है क्योंकि वो जो राजनीति की हैं वो राजनीति उनका फलित होना नहीं है। उनको एकदम जो अत्याचार की राजनीति की है, पाप की है, वो पाप यहाँ से नहाने से भी नहीं धुलेगा, ये समझ लीजिए। तो भैया उत्तर प्रदेश चुनाव में ममता जी की एंट्री तो जरूर हो गई है, मगर वाराणसी में कहीं ना कहीं उनका खुलकर लोग विरोध कर रहे हैं।